गाइस, मैं हूं जेनी, आपकी ट्रेनर, और आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्सपर्ट, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। गाइस, क्या आप इजीली इंग्लिश सीखना चाहते हैं कि बस हमें सबसे बेसिक फंडा पता चल जाए ग्रामर में सेंटेंसेस बोलने का, है ना? मतलब आपको उपाय चाहिए, और कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं? वेल, ध्यान से सुनिए ज़रा, आज का लेसन बहुत ही खास है, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, और बहुत ही बेसिक रूल्स बताने वाली हूँ, जिससे आपकी कोई भी कन्फ्यूजन होंगी ना, सारी क्लियर हो जाएंगी। गाइस, आपको पता है सब्जेक्ट क्या होता है या फिर प्रेडिकेट क्या होता है? ऑब्जेक्ट तो पता होगा, नहीं पता तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इन सब को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, मैंने देखा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी होता है। आप चाहें तो ये रूल्स नोट भी कर सकते हैं, नोट करने से चीज़ें बेहतर याद होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेसन। सबसे पहले जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज़ कहाँ होता है? ये वहाँ होता है जहाँ पे क्रिया यानी एक्शन होती है, जैसे कि शी इज़ कुकिंग फूड, वह खाना बना रही हैं। यहाँ पर काम करने वाली एक लड़की, तो सब्जेक्ट शी हुआ ना। सारा इज़ वॉचिंग टीवी, सारा टीवी देख रही हैं। यहाँ पर एक्शन करने वाली कौन है? सारा है। इसका मतलब सब्जेक्ट सारा है सेंटेंस में। देखिए, बहुत आसान है, राइट? मुझे लगता है कि आप लोग जैसे इसी तरह से अगर समझते जाएंगे ना, तो आपको धीरे 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 सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। अब आपको पता चल गया है सब्जेक्ट क्या होता है, राइट? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हम सेंटेंस के उस पार्ट को कहते हैं जिसमें एक्शन यानी वर्ब होता है। प्रेडिकेट से हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट ने क्या किया है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ, शी डांस्ड। सब्जेक्ट यहाँ पर शी है, लेकिन हमें सब्जेक्ट के बारे में क्या पता चल रहा है कि उसने डांस किया, यानी यहाँ पर एक्शन परफॉर्म हुआ है। यहाँ पर जो एक्शन हुआ है उसे प्रेडिकेट कहते हैं सेंटेंस में। जैसे कि वह खाना बना रहा था, ही वॉज कुकिंग डिनर। वह क्या बना रहा था? वह खाना बना रहा था, इसलिए वॉज कुकिंग प्रेडिकेट हुआ। एक और एग्जाम्पल लीजिए, शी वॉज सिंगिंग, वह गाना गा रही थी, तो वॉज सिंगिंग प्रेडिकेट हुआ। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ने एक्शन किया हो उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। क्लियर? ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम उस चीज़ को कहते हैं जिसके ऊपर एक्शन किया जाता है, जैसे कि वह लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, they are playing cricket। वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। हाँ, एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि बिल्ली दूध पी रही है, The cat is drinking milk। बिल्ली क्या पी रही है? दूध, है ना? तो मिल्क ऑब्जेक्ट हुआ। जॉन अपना फोन भूल आया है, जॉन क्या भूल आया है अपना फोन। तो फोन ऑब्जेक्ट हुआ। देखिए, काफ़ी आसान है, ये चीज़ों से आप लोग यूं ही डरते रहते हैं। काफ़ी आसान चीज़ें हैं, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेंटेंस। दोस्तों, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बनता है जिनका कुछ मीनिंग हो, है ना? कि ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी वर्ड्स साथ में जोड़ दिए और सेंटेंस बना दिया। ध्यान रखिएगा, सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और पंक्चुएशन मार्क से ख़त्म किया जाता है, जो कि फुल स्टॉप होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको पता है क्योंकि आपने अभी सीखा। जैसे कि They ate all the chocolates। दे आने पर हो गया सब्जेक्ट, एट हो गया वर्ब, चॉकलेट्स हो गया ऑब्जेक्ट। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस की। फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब
होता है और इसमें बात आसानी से कन्वे की जाती है, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से बात कन्वे की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, जॉय मार्केट गया, जॉय वेंट टू द मार्केट. म्यूजिक की आवाज़ बहुत तेज है, द म्यूजिक इज वेरी लाउड. सारा और रोजी स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, सारा एंड रोजी आर गोइंग फॉर स्विमिंग. दोस्तों आपने देखा ये सारे सेंटेंसेस बड़ी आसानी से अपनी बात कन्वे कर रहे हैं. जब कोई भी सेंटेंस बड़ी आसानी से समझ लिया जाता है उसे सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं. ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया हो. आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस, अब ये क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है जिस सेंटेंस में दो सिंपल सेंटेंस कॉमा या फिर कंजंक्शन से जुड़े होते हैं उन्हें कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं. हिंदी में संयोजन के रूप को कंजंक्शन कहा जाता है, मतलब जो बातों को कनेक्ट करते हों. समथिंग दैट जॉइंस और कनेक्ट्स, उसे कंजंक्शन कहा जाता है. ठीक है, क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल, मुझे किताब पढ़ना पसंद है और अपने कुत्ते के साथ खेलना बहुत पसंद है, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड आई लाइक टू प्ले विथ माई डॉग. यहाँ पर दो सिंपल से सेंटेंसेस हैं, आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई लाइक टू प्ले विथ माई डॉग. उसमें एंड का यूज़ किया है सेंटेंस को जोड़ने के लिए, सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, तो एंड हुआ हमारा कंजंक्शन. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कंपाउंड सेंटेंसेस. चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं. नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो सेंटेंस जुड़े होते हैं और वो इस तरह से जुड़े होते हैं कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को एक्सप्लेन करता है. जी हाँ, जैसे कि मैंने अपना लंच खा लिया क्योंकि मुझे भूख लगी थी. मैंने अपना लंच खा लिया क्योंकि मुझे भूख लगी थी. आई एट माई लंच बिकॉज आई वॉज हंग्री. यहाँ आपने कहा कि आई एट माई लंच, मैंने अपना खाना खा लिया क्योंकि मुझे भूख लगी थी. आपने जो किया है उसे क्या किया है? क्योंकि के द्वारा एक्सप्लेन किया है, राइट? एक और एग्जाम्पल देती हूँ. मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट हैं लेकिन मम्मी नहीं है. यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डैड तो स्ट्रिक्ट है लेकिन मम्मी स्ट्रिक्ट नहीं है. माई डैड इज स्ट्रिक्ट बट माई मॉम इज नॉट. दोस्तों आज ट्राई कीजिएगा कि आप कोई पैराग्राफ या फिर आर्टिकल पढ़ सकें और उसमें अंडरलाइन कीजिएगा कि कौन सा सिंपल सेंटेंस है या कौन से कंपाउंड सेंटेंस है या फिर कौन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे हैं डेक्लरेटिव सेंटेंस. डेक्लरेटिव सेंटेंस यानी कि वो होता है जिसमें कोई ओपिनियन या फैक्ट बताया जाता है. ओपिनियन या फैक्ट बताया जाता है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आसमान नीला है, आसमान नीला है, द स्काई इज ब्लू, ये एक फैक्ट है. और अगर मैं कहूँ कि कुत्ते बहुत क्यूट होते हैं, डॉग्स आर क्यूट, अब ये मेरी राय है, हो सकता है कि दूसरों की ना हो या दूसरों की ओपिनियन ना हो. ठीक है दोस्तों, ओपिनियन और फैक्ट के बात करने के लिए भी आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कमांड दी जाती है या फिर इंस्ट्रक्शन दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, एडवाइस दी जाती है, यानी बेसिकली लोगों को बताया जाता है कि उन्हें क्या करना है. जैसे कि नमक पास करना, पास द सॉल्ट, सामने वाला दरवाज़ा बंद कर दो, शट द फ्रंट डोर, अपना रूम साफ करो, क्लीन योर रूम, मेरे लिए रुको, वेट फॉर मी, कृपया शांत रहें, प्लीज़ बी क्वाइट. तो आपने देखा ये कैसे सेंटेंसेस हैं. ये सारे में या तो आप एडवाइस दे रहे हैं, या तो आप कुछ बोल रहे हैं, या तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी सवाल पूछने वाला सेंटेंसेस. ठीक है, जहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्या टाइम हुआ है, क्या टाइम हुआ है, व्हाट टाइम इज इट, या फिर तुम कौन हो,
हु आर यू, तुम कहाँ जा रहे हो, वेर आर यू गोइंग, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तो आपने देखा यहाँ पे सवाल पूछे जा रहे हैं, इसी तरह जहाँ सवाल पूछे जाते हैं उन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लास्ट सेंटेंस जो कि है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, जिन सेंटेंसेस में नॉट का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें नेगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पेट्स पसंद नहीं हैं, आई डू नॉट लाइक पेट्स, आई डू नॉट लाइक पेट्स। वह नहीं आ रही है, शी इज़ नॉट कमिंग, शी इज़ नॉट कमिंग। या फिर मुझे भूख नहीं लगी, मुझे भूख नहीं लगी, आई एम नॉट हंग्री। या फिर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, या फिर मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ, आई एम नॉट एंग्री। दोस्तों आज का लेसन यही ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपके आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और आपको इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आप आज ही हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नए वीडियोस जो अपलोड होते हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़रूर लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान सा वीडियो है जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मैं जल्दी मिलूँगी आपको एक नए और इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, keep smiling and take care. Bye.